tarih sahnesinden silineceğiz. Cümle altını hazineyi çalmış. Bayındır Bey, hazineyi çalmaktan ve altlarımıza kıymaktan tut. Orhan senin kardeşin. En çok senin yüzeyin yanar. Bilmez mi ondan seni? Altını ben ödeyeceğim. Bu son vergimiz. Beyleri topla. Ben Bolcay Duhan'ın elçisiyim. Sultan Mesutlusun. Bayındır Bey'in katline karar verilmiştir. Aziz nazirin, assalamu alaikum. नाज़रीन, कोर्डुस उस्मान की एक और शानदार किस्त मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है और हम इस किस्त के बारे जैसी राय रखते थे वैसे ही वाकयात सीरीज़ का हिस्सा बनाए गए। हमने कहा था कि मंगोल अभी कोर्डुस उस्मान का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि ओरहान बे मंगोल सिपाहियों की शक्ल में महमद पर वैसा ही हमला करेंगे जैसा कि उसने किया था और आखिर पर ओरहान बे ख़जाना हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, बिलाशुबा ये किस्त बेहतरीन थी मगर अभी भी शायकिनों को इस किस्त के हवाले से कुछ वाकयात की समझ ना आई। शायकिन जानना चाहते हैं कि आखिर उस्मान बे ने याकूब बे की बैत क्यों की, क्योंकि शायकिन जानना चाहते हैं कि सुलजोकियों का खात्मा भी हो गया और 1308 का दौर शुरू है, अब तक उस्मान बे की रियासत नामुकम्मल क्यों है। याकूब बे की बैत को कबूल करना उस्मानी रियासत को रद्द करने के बराबर है, इस वजह से शायकीन जानना चाहते हैं कि आखिर अब उस्मान बे का मकसद क्या होगा। तो व्यूवर्स, इस हवाले से आपको आज की वीडियो में मकम्मल तफसील के साथ आगाह किया जाएगा। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि आने वाली किस्त में मंगोल भी आ रहे हैं और ट्रेलर में ये भी देखा कि उस्मान बे और याकूब बे ने मंगोलों के खिलाफ गठजोड़ कर लिया है, तो अब ये दोनों किस तरह मंगोलों को शिकस्त देंगे और अब यहाँ पर उस्मान बे मंगोलों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से याकूब बे के साए से निकलेंगे, इस हवाले से आपको नहायत अहम मालूमात से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा बायंदर बे के बारे भी शायकिनों को कुछ खास समझ ना आई। आखिर बायंदर बे का कसूर क्या है? बायंदर बे तो उस्मान बे के साथ थे तो ये खजाने का इल्ज़ाम उन पर क्यों लगा दिया गया? और चूँकि अब उस्मान बे की तलवार बायंदर बे की गर्दन के ऊपर है तो बायंदर बे को कौन बचाएगा? इस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा और इसी के साथ बुरहान बे के बारे भी बात करेंगे। बुरहान बे के बारे जिसके बारे हमने कहा था कि ये आने वाली किस्त में शहीद हो जाएगा और इसकी रीज़न ये थी कि बुरहान बे का किरदार अदा करने वाला एक्टर सीरीज से अलग हो रहा है, तो शायकिन जानना चाहते हैं कि अब तक बुरहान बे का किरदार सीरीज से ख़त्म क्यों नहीं किया गया? क्या हमारी पहली राय गलत थी या बुरहान बे का किरदार वाकई में ख़त्म होगा? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीरीज से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, हम आपकी कीमती राय के मुंतज़िर रहेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं बुरहान बे के हवाले से। बुरहान बे जिसके बारे हमने कहा था कि शायद वैसिलुस का राज इसके पास लग गया हो जिसके बाद बुरहान बे को मार दिया जाएगा, लेकिन व्यूवर सिर्फ ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि चालबाज आयान ने ऐसी चाल चली है कि एक तीर से दो शिकार करेगा। उस चालबाज ने अपने चेले वैसिलुस की मदद से उस्मान बे के खजाने को हासिल कर लिया जिसकी जिम्मेदारी बायंदर बे पर थी। उसके बाद उसने बुरहान बे को शदीद जख्मी कर दिया। अब बुरहान बे जो कि जिंदगी और मौत की कश्मोकश में मुब्तला है वो अभी कुछ भी बोलने से कासिर है। जब तक बुरहान बे कुछ बोल नहीं देते बायंदर की बेगुनाही साबित नहीं होगी। वैसिलुस ने हमला इस तरीके से किया कि सारा इल्ज़ाम बायंदर बे पर आ जाए, सारा ख़जाना बायंदर बे के मातहत था और उसे अलग कर दिया गया और अब सारे सबूत बायंदर बे के खिलाफ ही जाते हैं। तो व्यूवर, महज इसी वजह से उस्मान बे की तलवार बायंदर बे की गर्दन पर थी। व्यूवर, ऐसा नहीं है कि उस्मान बे को बायंदर पर शक हो, उस्मान बे को यकीन है कि बायंदर बेगुनाह है, लेकिन उस्मान बे के पास बायंदर की बेगुनाही का एक भी सबूत नहीं होगा बल्कि बायंदर के खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे, लेकिन बाकी तमाम लोग बायंदर बे को कसूरवार समझेंगे और सबूत देखते हुए उस्मान बे को मजबूरन बायंदर बे पर सख्ती करनी पड़ेगी। और आने वाली किस्त में उस्मान बे की तलवार बायंदर बे की गर्दन पर होगी तभी एक ही शख्स बायंदर बे को बचा सकता है और ये शख्स वही होगा जिसने सारे वाक्य को अपनी आंखों से देखा है। ये वाक्य जिस शख्स के साथ पेश आया वही बायंदर बे को बचाएगा और ये कोई और नहीं बल्कि बुरहान होगा। व्यूवर, ये बात तो तय है कि आने वाली किस्त बुरहान बे की आखिरी किस्त होने जा रही है क्योंकि बुरहान बे के एक्टर ने सीरीज से अलहदगी का फैसला कर लिया है जिसके बाद वो सीरीज को छोड़ने वाले हैं। यानी कि आने वाली किस्त में बुरहान बे की मौत का मंजर दिखाया जा सकता है, लेकिन जाने से पहले बुरहान बे बायंदर बे की बेगुनाही को साबित करेंगे और कहेंगे कि इसमें बायंदर बे का कोई भी कसूर नहीं है। वो सिपाही जिन्होंने बुरहान बे पर हमला किया वो तुर्क नहीं बल्कि बाज़ंतीनी है, इस हवाले से बुरहान बे जान जाएंगे और बुरहान बे सारी सच्चाई बता देंगे। यहाँ पर बुरहान बे के बोलने से ही बायंदर बे बच सकते हैं क्योंकि वो सारी सच्चाई से बाहू भी वाकिफ़ है।
और व्यूवर्स महज इसी वजह से बुरहान बे की शहादत नहीं दिखाई गई। अगर बुरहान बे पिछली किस्त में शहीद हो जाते तो बायंदर बे फंस जाते और दुश्मन एक तीर से दो शिकार करने में कामयाब भी हो जाता, और इससे उस्मान बे को ये अंदेशा भी ना होता कि उनके घर यानी कि उनके महल में गद्दार मौजूद हैं, बल्कि वो समझते कि बायंदर के खात्मे के साथ गद्दारियों का खात्मा हो चुका है। व्यूवर, ये सारी सूरत हाल आपको आने वाली किस्त में देखने को मिलेगी, जिसके बाद बायंदर बे की बेगुनाही साबित हो जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ पर अहम मसला ये है कि खजाना उस्मान बे कैसे दोबारा से हासिल करेंगे, आखिर उस्मान बे असल गद्दारों तक कैसे पहुँचेंगे। इस हवाले से आपको आने वाली वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आगाह किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मंगोलों के हवाले से। मंगोलों के हवाले से बात करने से पहले हम बात करते हैं उस्मान बे और याकूब बे के ताल्लुकात के हवाले से। जैसा कि हमने सीरीज में देखा कि उस्मान बे ने याकूब बे की बैत को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे ये बात तो वाज है कि अभी उस्मानी रियासत का वजूद तो सीरीज में दिखाया ही नहीं जा रहा। फर्ज करें कि ये मान लेते हैं कि उस्मानी रियासत का वजूद बन चुका है, लेकिन वो उस्मानी रियासत इतनी कमजोर है कि वो कभी किसी का सहारा ले रही है और कभी किसी का सहारा ले रही है। ये क्या बात हुई, उस्मान बे अपनी रियासत बनाने के बावजूद याकूब बे के मातहत रहेंगे। व्यूअर, तारीख में ऐसा तो आता है कि याकूब बे और उस्मान बे के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बल्कि इनके ताल्लुकात इस कदर ख़राब थे कि ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस्मान बे ने अपनी रियासत के होने के बावजूद याकूब बे के मातहत होने का फैसला किया। और व्यूअर, कोर्डलुस उस्मान सीरीज़ में अगर ऐसा दिखाया भी गया है तो ये बात तो तय है कि उस्मान बे ज़्यादा देर तक याकूब बे के मातहत नहीं रहेंगे, बल्कि ये सब भी उस्मान बे की कोई चाल होगी। यहाँ पर उस्मान बे याकूब बे का इस्तेमाल करने के लिए उनके मातहत होने का फैसला करेंगे, और इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि उस्मान बे को अभी अंदर के गद्दारों का सामना है। जब तक उस्मान बे अंदर के गद्दारों का सामना नहीं कर लेते, तब तक उस्मान बे बाहर के दुश्मन को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। इसलिए उस्मान बे चाहते हैं कि अभी कुछ अरसे तक अमन कायम रहे, और उस्मान बे इसी दौरान याकूब बे का असल चेहरा लोगों तक वाजिया कर दें कि याकूब बे ने असल में किस तरह उस्मान बे को नीचा दिखाने की कोशिश की। व्यूअर, जैसा कि हमने किस्त में देखा कि मंगोलों की एंट्री हो चुकी है, और व्यूअर कल की वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कोर्डलुस उस्मान बे दोबारा से मंगोल आएंगे तो वो गैरिमियान रियासत पर दबाव डालेंगे, जिस तरह कि उन्होंने सलजोकियों पर डाला था। क्योंकि पहले सलजोक अपनी बका के लिए और अपनी रियासत की हिफाजत के लिए मंगोलों को टैक्स अदा किया करती थी, अब मंगोल चाहते हैं कि गैरिमियान भी उन्हें टैक्स अदा करे, और ये टैक्स की रकम काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर अब गैरिमियान को काफ़ी बड़ी रकम अदा करना पड़ेगी। इससे बचने के लिए गैरिमियान और उस्मान बे एक बड़ी चाल चलेंगे। अब यहाँ उस्मान बे एक बार फिर से मंगोलों के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। सभी लोग देखेंगे कि उस्मान बे किसी के मातहत नहीं है, और लोग इस बात को भी जान जाएंगे कि अगर ज़ादी चाहते हैं तो उस्मान बे का साथ देना पड़ेगा। अगर वो याकूब बे को अपना हुक्मरान तसव्वुर करते हैं तो उनका हाल वैसा ही होगा जैसे मंगोलों ने सलजोकियों का किया था। यहाँ पर उस्मान बे अपने आप को साबित करेंगे कि वही वाहिद हुक्मरान है जो कि इन सरजमीनों का निज़ाम चला सकते हैं। व्यूअर, यहाँ पर मंगोलों के खिलाफ उस्मान बे सख्त लड़ाइयाँ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर उस्मान बे को मंगोलों की एंट्री के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप इस बार मंगोलों को अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने तरीके से मंगोलों के ज़रिए गैरिमियान को नीचा दिखाएंगे, और सब लोग ये देख लेंगे कि उस्मान बे के बगैर वो मंगोलों का सामना नहीं कर सकते, और सब लोग ये भी देखेंगे कि अगर मंगोलों से आज़ादी चाहते हैं तो उस्मान बे के साथ खड़ा होना होगा, ना कि गैरिमियान के साथ। व्यूअर, आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। बाकी के सवालात का जिक्र आने वाली वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको आने वाली वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।